दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी वीजा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा वीजा जिसके तहत जो है आपको न्यूजीलैंड की रेजिडेंसी मिल सकती है बहुत आसानी से। आपको जो इस वीजा में किसी जॉब वगैरह की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, किसी स्पॉन्सर किसी एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं होती है। आप खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप खुद से वीजा ले सकते हैं दोस्तों, और तो और डायरेक्ट रेजिडेंसी पा सकते हैं। इस वीजा के तहत जो है आपको कुछ पॉइंट्स अर्न करने पड़ते हैं दोस्तों। ये एक्चुअली जो है बेसिकली एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम वीजा है जिसमें आपके जो है पॉइंट्स डिपेंड करते हैं आपकी एज पे, आपकी क्वालिफिकेशंस पे, आपकी एजुकेशन पे और आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता पे। ठीक है, अगर आप इन सारी चीजों में बहुत ही ऊपर हैं दोस्तों तो आप बहुत आराम से जो है पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और खुद के लिए वीजा सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। और सपोज अगर आप जो है रिक्वायर्ड पॉइंट्स की लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाते हैं या फिर लिमिट रीच नहीं कर पाते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, आपको जो है 9 से 12 महीनों तक का एक जॉब सर्च वीजा मिलता है स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी के अंडर। इस जॉब सर्च वीजा के तहत जो है आप न्यूजीलैंड जाकर के खुद के लिए जॉब सिक्योर कर सकते हो। और जब आपको जॉब मिल जाती है दोस्तों तो आप जो है अपने प्रीवियस एप्लीकेशन लेटर में अपने नए ऑफर लेटर को अटैच करके इमिग्रेशन ऑफिस में जमा कर सकते हैं दोस्तों और रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इतनी आसानी से दोस्तों आपको रेजिडेंसी मिल सकती है, बहुत आसान सा तरीका होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, कितने स्कोर्स अर्न करने पड़ते हैं, किसमें आपको कितने स्कोर्स मिल सकते हैं दोस्तों, और ये जॉब सर्च वीजा के अंडर आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आप इस वीजा के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप भी न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी पाना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो के बस एंड तक बने रहिएगा, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं दोस्तों, पहले मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, आपको जो इस वीजा के बारे में बताता हूँ, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों इस वक्त मैं आपको न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आ चुका हूँ जहाँ से मैं आपको जो है स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट वीजा की जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। इस वीजा के तहत जो है आप स्किल्ड वर्कर के तौर पे जो है न्यूजीलैंड जाकर के काम कर सकते हैं, रह सकते हैं और बस सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहें तो। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दिस वीजा इज फॉर पीपल हु हैव द स्किल्स न्यूजीलैंड नीड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। उन लोगों की जरूरत है दोस्तों इस वीजा के तहत जिनके स्किल्स की जरूरत है न्यूजीलैंड को। तो आप समझिए, अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं और आपके स्किल्स की जरूरत है न्यूजीलैंड में तो भैया आपको जो है ये वीजा मिल सकता है। बिफोर यू कैन अप्लाई यू विल नीड टू सेंड अस एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दैट डिटेल्स योर वर्क एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इससे पहले कि आप वीजा के लिए अप्लाई करें, पहले आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप इस वीजा के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके बाद जो है आपको सिलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। इसमें जो है पॉइंट्स अर्न करने पड़ेंगे आपको। अभी जो है सिलेक्शन 180 पॉइंट्स पे हो रहे हैं दोस्तों, ये पॉइंट्स जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी जो है 160 पॉइंट्स पे सिलेक्शन होती है, कभी 140 पे होती है, तो कभी 180 पे भी होती है जैसे अभी हो रही है। तो आपको जो है इसके हिसाब से मतलब टाइम के हिसाब से अप्लाई करना होगा और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है जताना होगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेंथ ऑफ स्टे क्या है, इनडेफिनेटली, क्योंकि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है दोस्तों। एज रेंज क्या है, 55 साल से नीचे के लोग जो है इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जब आपको वीजा मिल जाए तो आपको जो परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी दोस्तों, उसके बाद आपको एज की चिंता नहीं करनी है। तो अगर आप 54 साल के भी हैं, 53 साल के भी हैं तो भी आप ये वीजा ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कॉस्ट क्या होने वाली दोस्तों, 4,880 न्यूजीलैंड डॉलर्स। यहां के लिए अभी आपको जब वीजा लेना होता है दोस्तों तो प्राइस जो है बहुत कम होती है। वहां जाने के बाद जब आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो जो है आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसीलिए यहां पर टोटल अमाउंट बताया जा रहा है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है ईओआई सिलेक्शन, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट सिलेक्शन होने वाला है 16 अगस्त को, तो मतलब आप 15 अगस्त रात के 12 बजे तक अपना वो जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखा सकते हैं दोस्तों। 16 अगस्त को जो है सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों, तो हो सकता है उसमें आप भी शामिल हो अगर आप पॉइंट्स क्वालिफाई कर सकते हैं तो। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है विद दिस वीजा यू कैन, इस वीजा के साथ आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। लिव वर्क एंड स्टडी इन न्यूजीलैंड, इंक्लूड योर पार्टनर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एज्ड 24 एंड अंडर इन योर रेजिडेंस एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इस वीज़ा के तहत अपने पार्टनर को लेके जा सकते हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो कि आपके बच्चे हैं उनको लेके जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बच्चे जो है 24 साल के नीचे होने चाहिए, 24 साल तक के भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर होंगे तो आप जो है उनको अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, रेजिडेंस वीज़ा में उनको इंक्लूड कर सकते हैं। थिंग्स टू नोट, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो चीज़ें भी यहाँ पर लिखी गई है दोस्तों। वी यूज़ अ पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम टू एक्सेस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जो है मतलब सम अप करने के लिए ये जो है पॉइंट बेस्ड सिस्टम यूज़ करते हैं कि भैया किसके स्किल्स ज़्यादा हमारे काम आने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स अर्न करोगे तो ऑब्वियसली आप जो है न्यूजीलैंड के लिए ज़्यादा मतलब यूजफुल हो, तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप अर्न करोगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बनते हैं वीज़ा मिलने के। ठीक है,
यहाँ पर लिखा है वी आर सिलेक्टिंग ईओआईज विथ 180 पॉइंट्स और अबव। अभी 180 पॉइंट्स हो चुका है दोस्तों। दिस वीजा इज नॉट फॉर पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड। इफ यू वांट टू वर्क इन योर ओन बिजनेस यू मे वांट टू अप्लाई फॉर अ एंटरप्रेन्योर रेजिडेंट वीजा इनसेड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और फिर ये वीज़ा लेना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए नहीं है। आप एंटरप्रेन्योर रेजिडेंट वीज़ा लेकर के रेजिडेंसी पा सकते हैं न्यूजीलैंड की, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम 9 अक्टूबर देयर विल बी चेंजेस टू द स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंस वीज़ा। इसीलिए लास्ट सिलेक्शन जो होने वाला है 16 अगस्त को होने वाला है दोस्तों। उसके बाद जो है चेंजेस वगैरह आएंगे 9 अक्टूबर से। तो अगर आप करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं दोस्तों। करीब 10 दिन का टाइम है आपके पास, जल्दी से जल्दी अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखा दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, हु कैन अप्लाई, चेक योर पॉइंट्स, प्रोसेस एंड कॉस्ट और हाउ टू अप्लाई, ठीक है। उसके बाद नीचे कंडीशंस वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे, सबमिट ईओआई भी देखने के लिए मिलेगा आपको ऑप्शन। मतलब ये जो वेबसाइट है दोस्तों, इसी वेबसाइट से आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जताना होगा अपना। आपको जो अकाउंट क्रिएट कर लेना होता है दोस्तों, अकाउंट क्रिएट करके जो है आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। पॉइंट्स वगैरह अगर आप अर्न कर सकते हैं तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है हु कैन अप्लाई, क्राइटेरिया एंड द एविडेंस बिलो विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस वीज़ा, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ करनी होगी आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है यू मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी, जिसमें जो है आपको पासपोर्ट वगैरह देने पड़ते हैं दोस्तों, पासपोर्ट साइज फोटोज़ और अपने जो है डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह दिखानी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपको जो है यहाँ पर लिखा हुआ है एन एक्सेप्टेबल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट, आपको जो है टेस्ट रिजल्ट वगैरह भी दिखाना पड़ेगा, हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एज 55 साल से नीचे के होने चाहिए जब आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, अगर आपके पास पहले से कोई जॉब है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों न्यूजीलैंड में, अदरवाइज आपको जो है जॉब सर्च वीज़ा मिल सकता है इस वीज़ा कैटेगरी के अंडर, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पर से चेकआउट कर सकते हैं, क्वालिफिकेशंस वाले ऑप्शन को ओपन कीजिए। यहाँ से जो है सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अपने हिसाब से जो है पॉइंट्स अर्न करने के लिए चेक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस भी आप ऐसे ओपन करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ जॉब्स हैं इस कैटेगरी के अंडर जिन जॉब्स के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर उन जॉब्स में आपको सही एक्सपीरियंस है तो बहुत आराम से वीज़ा मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको मिलेगा इनविटेशन टू अप्लाई फॉर रेजिडेंस, ठीक है। जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाते हैं और आप पॉइंट्स अर्न कर लेते हैं दोस्तों तो आपको जो है सिलेक्ट किया जाता है इन्विटेशन टू अप्लाई ITA भेज करके, ठीक है। आपको ITA मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको डायरेक्ट रेजिडेंसी मिल सकती है। अगर आपको ITA नहीं मिल रहा है तो आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा अगर आप पूल के अंडर है। अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आपने पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं लेकिन आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा कि हाँ कि कोई बात नहीं, अगर आप डायरेक्ट रेजिडेंसी के लिए मतलब सिलेक्ट नहीं किए गए हैं तो आप जॉब सर्च वीज़ा लीजिए, न्यूजीलैंड जाइए। खुद के लिए अगर आप जॉब सिक्योर कर लेते हैं इस वीज़ा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो आप जो है दोस्तों ये वीज़ा ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे, पार्टनर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के बारे में लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज फॉर फैमिली, अगर आपकी फैमिली अप्लाई कर रही है तो उनको भी इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए एज, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पार्टनर, इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके आप जो है खुद के लिए पॉइंट्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद प्रोसेस एंड कॉस्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों कि कब आपको कितने पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। कंट्री डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं आप यहाँ पर कि अगर आप इंडिया से हैं तो सपोज़ यहाँ पर इंटर कंट्री डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है तो आपकी नेशनैलिटी क्या है पासपोर्ट पे वो डालिए आप कि इंडिया से हैं कहाँ से हैं, वो सारी चीज़ें डालने के बाद जो है आप सर्च कर सकते हैं कि कितना प्रोसेस लग सकता है टाइम और कितना जो है आपको वो लग सकता है दोस्तों फीस लग सकती है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो आप आएंगे तो हाउ टू सबमिट के बाद कंडीशंस वगैरह हैं, कंडीशंस वगैरह देख लीजिए दोस्तों। आपको जो है न्यूजीलैंड में जाने के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सारी की सारी जानकारी आप ले सकते हैं यहाँ से और अपने लिए जो है ये वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। बहुत आसानी से जो है आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी वीज़ा के अंडर जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको अप्लाई कर देना है दोस्तों और उसके बाद इस वीज़ा के लिए इंतज़ार करना है कि आपको भी ये वीज़ा जल्द से जल्द मिल जाए। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप भी खुद के लिए एक स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल है, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल है दोस्तों तो ये वीज़ा ऑप्शन आप लोगों के लिए है। बहुत आसानी से जो है आप अपने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस के दम पे जो है ये वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों और न्यूजीलैंड की परमानेंट रेजिडेंसी पा सकते हैं और लाखों रुपए दोस्तों एक महीने के आप 4 से 5-6 लाख रुपए भी कमा सकते हैं दोस्तों बहुत आसानी से। और न्यूजीलैंड के निवासी बनने के बाद कुछ दिनों बाद सिटीजनशिप लीजिए, अपने परिवार को बुलाइए, परिवार को लेकर जाइए, डजंट मैटर दोस्तों आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस
ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।